चिराग पासवान के निर्देश पर पुलिस हिरासत में मौत के आरोप की जांच हेतु लोजपा की 6 सदस्यीय टीम पहुंची श्रीपुर। चेरिया बरियारपुर थाना के अंतर्गत श्रीपुर पंचायत में पुलिस हिरासत में पिटाई से हुई मौत जैसी परिजनों के आरोप पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर शुक्रवार को मृतक भीम पासवान के परिजनों से मिलने के लिए लोजपा के 6 सदस्यीय नेताओं की एक टीम श्रीपुर पंचायत पहुंची। इस दौरान लोजपा नेता संजय पासवान ने करीब आधे घंटे तक परिजनों व ग्रामीणों से घटना के बारे में गहन पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात बताया कि पार्टी के नेता व सांसद चिराग पासवान के आदेशानुसार हम लोग यहां तहकीकात के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मामले को बारीकी से अध्ययन किया गया है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी शिकायत एसपी और डीजीपी से की जाएगी। लोजपा नेता सुदर्शन सिंह ने कहा कि आगामी 4 जनवरी को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दलित महादलित सांसदों की बैठक आयोजित है। बैठक में इस बात की शिकायत सीएम से भी की जाएगी, साथ ही लोकसभा का सदन खुलने के बाद वहां भी आवाज उठाई जाएगी। मौके पर सुरेंद्र विवेक, इंदिरा देवी, प्रेम पासवान, विभूति पासवान, मनोज पोद्दार आदि लोग मौजूद रहे। जी को पुलिस ने उठाकर ले गया और प्रवर्तापूर्ण पिटाई किया। पिटाई करने के बाद इनको जेल में रखा, हजत में रखा। परिवार का कहना है कि हमारे पति को, हमारे भाई को पुलिस ने बेरहमी से पीटा शराब के नाम पर। और आज 16 तारीख की रात में, ये परसों इनकी मृत्यु हो गई। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने टीम गठित कर हम लोगों को भेजा है यहाँ पर। इंदिरा जी हम लोग के पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र विवेक हैं जी हमारे कोषाध्यक्ष प्रदेश के और विस्तार प्रमुख हैं। ये सुदर्शन बाबू को जान ही रहे हैं आप, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिलाध्यक्ष प्रेम जी, विभूति भूषण पासवान जी। पूरी घटना की जानकारी हम लोगों ने परिवार से लिया है और इस सरकार में इकबाल खत्म हो गया, कानून का इकबाल खत्म हो गया है। अपराधी चुन चुन कर दलितों पर लगातार अत्याचार कर रहा है, लेकिन दुखद घटना है कि पुलिस के द्वारा बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या की गई है। हम इसको हत्या ही कहते हैं क्योंकि उसको बुरी तरह से पीटा गया। इस घटना के कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम जा रहे हैं और लिखित रूप से हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लिखित रूप से मुख्यमंत्री के नाम से, डीजीपी के नाम से, यहाँ के संबंधित आरक्षी अधीक्षक के नाम से, मानवाधिकार आयोग के नाम से इस प्रशासन के खिलाफ हम लोग लिखेंगे। सर,